The phosphorus cycle, plus the contents, importance of phosphorus, reservoir of phosphorus, absorption by plants and animals, return of phosphorus to the environment, human impact on phosphorus cycle, and the diagrammatic representation of the phosphorus cycle. First, what is the importance of phosphorus? Phosphorus is very important for the animals and the plants. तो बिकॉज इट इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ़ न्यूक्लिक न्यूक्लियड्स अगर हम बात करते हैं तो डी एन ए और आर एन ए का जो फास्फेट ग्रुप है वो बेसिकली फास्टफोर्स को रिप्रेजेंट करता है सिमिलरली ए टी पी ए टी पी इज आरसो न्यूक्लियोटाइट एड नो सिटेट तो इन ए टी पी जो एनर्जी करंसी है इसके अंदर थ्री फास्टफेट्स मौजूद हैं टो मीन फास्टफेट एक ऐसा एनर्जी मालिक्यूल बना रहा है जिससे पूरी पूरी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है या रनिंग में है तो so, फास्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन लिपिड्स, फॉसफो लिपड दे आर आल्सो हैविंग फासफेट इन डैम सिमिलरली द स्केलेटन ऑफ वर्टिबेट्स द आवर बोन्स आवर टीथ दे आर आल्सो हैविंग द फॉसफोरस इन डैम सो मीन्स द फॉस्टफोर्स इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो वट इज द रेजरवायर ऑफ फॉर्सफोर्स फॉसफोरस का अगर हम देखें तो ये क्योंकि मिनरल्स के फार्म में मौजूद है एटमॉसफेयर में एग्जिस्ट नहीं करती है लिहाजा एटमोसफेयर के साथ साइकिल नहीं है बल्कि इसका जो लिथोट्रॉफ है यानी सॉइल के अंदर जो है वो अर्थ के ऊपर ही सॉइल के अंदर ही इसका जो साइकिल चलता है रेजरवायर ऑफ फोरस जो है दैट इज द दैडिमेंट्री रॉक्स ये वो रॉक्स है जहाँ क्या के फासफोरस एनिशियन टाइप के अंदर क्या यह डिपॉजिट कर दी गई है ख्याल ये है कि जो रॉक्स के अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो, जो फास्फोरस है वो जैसे ही वो जैसे बर्ड बहुत सारे बर्ड्स जैसे कि एनिमल्स जो है वो किसी खास हैबिटेट में रहते थे वो जो कुछ खाते थे उसके बाद जो उनका फीकल मेटेरियल है वो एक जगह डिपॉजिट होता रहा है उसको फीकल मटेरियल के अंदर फास्फोरस की वजह से फास्फोरस जो है वो डिपॉजिट बन गया है सो हाउ इट इज़ एक्सट्रैक्टेड अब फास्ट की एक्सट्रैक्शन कैसे हो रही है इसमें सिंपली एक तो नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे जैसे रॉक्स की विदरिंग हो रही है तो रॉक्स की विदरिंग के साथ साथ फास्फोरस जो, के, के है, तो जो है वो इन्वायरमेंट में सॉयल में वापस आ रही है इस हाथ जो क्रोजन इरोजन के प्रोसेस हैं तो इरोजन के दौरान भी क्या होता है कि जो सेडिमेंटेड रॉक्स हैं वो एरोड करेंगी उनकी तोड़ फोड़ का अमल होगा जिसकी वजह से जब वो फास्ट जो इट इज़ कमिंग टू द इन्वायरमेंट ह्यूमन एक्टिविटी ह्यूमन अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन क्या वो जो फास्ट फूड्स एक लिमिटिंग एलिमेंट है सॉइल के अंदर तो ह्यूमन जो फास्ट के रेजरवायर को एक्सट्रैक्ट करके उसको सॉइल के अंदर जो वो इंक्लूड कर रहा है सो फास्ट फोर्स वेन इट इज इन दॉयल जब यह अपने रेजरवायर से निकलकर सॉइल में आ गई है अब फास्ट जो है एज फास्ट क्या करेगी इट इज़ एब्जॉर्ब बाई द प्लांट्स प्लांट्स को प्लांट्स एल जी दे कैन एब्जॉर्ब द फ़ास्ट वो फास्फेट्स को एबज़ॉर्ब करेंगे उसको अपने बॉडी का हिस्सा बना लेंगे फिर जब इन एनिमल्स को या कुछ फनजाए जो है उनको जब ऐसा इन प्लांट्स को और फनजाई को जब एनिमल्स यूज करेंगे तो इस तरह से वो फास्ट जो अल्टीमेटली एनिमल्स का हिस्सा बन जाएगी यानी सॉयल से फास्टफेड प्लाट्स के बॉडी पार्ट का हिस्सा और प्लान से फिर ये एनिमल्स का पार्ट का हिस्सा बनेंगे सम डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द एनिमल्स वेन फास्ट फोर्स रिट प्रजेंट इन दाटर कुछ लिटिल अमाउंट में फास्ट फोर्स जो है वाटर के अंदर अगर मौजूद है फास्टफेड्स की फार्म में तो वो फास्टफेड्स जो है वो डक्टिव वाटर के फार्म में जो एनिमल्स जो है उसको एब्जॉर्व कर लेंगे उसके बॉडी पार्ट जो वो बन जाएंगे तो अब एनिमल्स की बॉडी के अंदर आने के बाद या प्लांट्स की बॉडी के अंदर आने के बाद फास्टफोर्ड्स जो है ये डिफरेंट बायोमालिकसाइज करेगी जैसे न्यूक्लिकस डी एन ए आर एन ए है डी एन टी पीज़ है स्केलेटन का पार्ट बन जाएगी जिसमें हमारी बोन्स का पार्ट बनेगी ये हिस्से से हमारे टीथ का पार्ट जो है बन जाएगी अब अगला स्टेप ये है कि इसने वापस से अपने इन्वायरमेंट में वापस जाना है तो सिंपली व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई तो देयर बॉडीज विल डीके उनकी डेड बॉडीज क्या करती है डीके करती हैं डीके का मतलब है कि वो तोड़ फोड़ का अमल होगा गलने सड़ने का अमल होगा तो फास्ट फोर्स दोबारा वापस सॉइल में चली जाएगी इस तरह से सॉइल के अंदर जाने के बाद इट कैन बी अगेन यूज बाय द प्लांट्स तो ये दोबारा प्लांट्स के अंदर यूटिलाइज हो जाएगी या वाटर के अंदर अगर आ जाती है तो एनिमल्स उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं तो इस तरह से सॉइल से फास्ट प्लांट्स और एनिमल्स में जब उनकी डेथ होगी तो दोबारा ये वापस क्या करेगी सॉयल के अंदर जो है चले तो इस फास्ट के साइकिल के अंदर एक छोटा साइकिल जो वो चलेगा इस तरह से तो सम पार्ट ऑफ फास्ट तो कुछ पार्ट ऑफ फास्ट वो होगा जो वाटर के साथ फ्लो करता हुआ सेडिमेंट्री रॉक्स का हिस्सा बन जाएगा अब वो फास्ट जो सेडिमेंट्री रॉक का हिस्सा बन जाएगी वो फास्टफोरस साइकिल से निकल जाएगी वह हम कहेंगे वो क्या है? वो हो गया वो लॉक हो गई है और फिर लॉन्ग टाइम के बाद जब वो फास्फोरस वाली सेडिमेंटेड रॉक्स दोबारा एक्सप्लोर की जाएंगी दैट फास्फोरस विल अगेन बिकम पार्ट ऑफ द फास्फोरस साइकिल व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन ह्यूमन का जो इंपैक्ट फास्फोरस साइकिल के ऊपर है वो बड़ा यह है कि ह्यूमन हैव एक्सप्लोर्ड द फास्फोरस रेजरवायर्स ये जितनी भी हम डी ए पी यूज़ करते हैं अपने खादों में डी ए पी या जिसको हम ग्वारा खाद बोलते हैं ये बेसिकली वो फास्फोरस कंटेनिंग जो है वो फर्टिलाइजर्स हैं तो अब ह्यूमन फास्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स को एग्रीकल्चर में यूज करता है तो इससे फास्फोरस साइकिल को क्या कर रहा है एक्सलरेट कर रहा है लेकिन इसके साथ एक इम्पेक्ट ये है कि जब ये फास्फोरस वाटर के साथ रन ऑफ करके वाटर बॉडीज में जाएगी तो वाटर बॉडीज के अंदर फास्फोरस के आने की वजह से एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे जिसके वजह से वाटर बॉडीज जो होती हैं उसमें यू ट्रोफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा यानी कि एल्गल ब्लूम जो है वो आ जाएगा तो दिस इज द नेगेटिव थिंग फॉर फास्फोरस साइकिल के फास्फोरस जो इसका नेगेटिव इंपेक्ट होगा नेचुरल एनवायरमेंट के ऊपर हेयर इन दिस डायाग्राम या अगर हम देखें so, start, तो वी विल स्टार्ट फास्टफोर्स प्रेजेंट इन द सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर क्या है कि इसके रेजरवायर मौजूद हैं जहाँ क्या है कि फास्फोरस के रेजरवायर हैं अब ये सेडिमेंट रॉक्स की विदरिंग होगी तोड़ होगी इरोजन होगा तो अल्टीमेटली सैडिमेंट्री रॉक से जो फास्ट फोर्स है वो निकल कर आ जाएगी सॉइल के अंदर अब सॉइल के अंदर आने वाली जो फास्ट फोर्स है ये बेसिकली सॉइल के अंदर है दिस फास्ट फोर्स इज यूटिलाइज बाय द प्लांट्स इस तरह से कुछ फास्ट फोर्स इट इज आल्सो यूज्ड बाय द फन देन दिस प्लांट्स मटेरियल दे आर यूटिलाइज बाय द एनिमल्स तो फास्ट फोर्स प्लाट्स से आगे एनिमल्स तक चली जाएगी कुछ फास्ट फोर्स वो होगी जो डायरेक्टली वाटर के साथ आ रही कि जब ये एनिमल्स को ड्रिंक करेंगे तो ड्रिंकिंग प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि दे विल ओपटेन और दे विल अपटेक द फास्ट फोर्स तो वो फास्ट फोर्स को जो है वो अपटेक करेंगे अब इसके बाद अल्टीमेटली एनिमल्स की जब डेथ होगी उसके बाद सॉयल के अंदर फास्ट फोर्स वापस चली जाएगी प्लांट की डेथ होगी वापस आ जाएगी एंड प्लांट्स विल री यूज़ दिस फास्ट फोर्स अगेन और कुछ फास्ट फोर्स वो होगी जो सेडिमेंट्री रॉक्स का हिस्सा बनती चली जाएगी और यहां आने वाली फास्फोर जो है फॉर लॉन्ग टाइम जो है वो फास्फोर साइकिल से आउट हो जाएगी